28 सितंबर को धार शहर में ईद मिलाद उन नबी और अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों को लेकर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस वर्ष ईद मिलाद उन नबी और अनंत चतुर्दशी एक ही दिन होने से पुलिस को विशेष इंतजाम करने पड़े। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों समुदायों से चर्चा कर आपसी सौहार्द से शांतिपूर्वक अपने अपने त्यौहार मनाने की अपील की गई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर रात्रि में झांकियों का कारवां शहर में निकलेगा। इसी के साथ ही इस वर्ष ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार भी होने से दोपहर में ईद मिलाद उन नबी का जुलूस शहर में निकलेगा, जिसे देखते हुए पुलिस ने शहर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, घुड़सवार दल, एसटीएफ, एसएएफ, हाईराइज बिल्डिंग, खुफिया पुलिस तैनात रहेगी। शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस की पैनी नजर होगी। देखिए, कल मुस्लिम समाज का मिलाद उन्नबी का पर्व है, हिंदू समाज का अनंत का चतुर्दशी का पर्व है। इस ख्याल से दोनों समुदायों की कल ही सामने हमारी और जिन का बैठक हो गई है। हम लोगों के बैठक के पहले थाना प्रभारी के स्तर पर, एसडीओपी के स्तर पर भी दोनों समाज से बड़ा स्पष्ट और क्लियर कट बात हुई है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि मिलाद उन नबी का जुलूस 8 बजे शुरू करके 1 बजे के पहले ख़त्म हो जाए और शाम में गणेश का जुलूस, गणेश चतुर्थी का जुलूस निकाला जाए। दोनों समाजों ने इस पर सहमति दी है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी बातचीत के क्रम में संवाद में निर्णय लिया गया है, धार की जनता पूरी तरह उसका पालन करेगी। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने बहुत ही पुख्ता लगाया है। हम लोगों ने खुद बैठ करके प्लानिंग किया हुआ है। हर चौराहे पे, चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस तैनात रहेगी। हमको पुलिस मुख्यालय से एसटीएफ का और एसएफ का कंपनी भी प्राप्त हो गया है। हमने हाई राइज बिल्डिंग, घुड़सवार दल, खुफिया पुलिस और होमगार्ड का बल भी लगाया है। साथ में जितने हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके भी हमने बल लगाया है। हम लोगों ने डोर सर्चिंग भी कल भी कराई थी, आज भी हम करा रहे हैं, कल सुबह भी कराएंगे। जो मेन शहर के पॉइंट्स हैं, हटवाड़ा चौराहा हो गया, आनंद चौपाटी हो गया, पौ चौपाटी हो गया, धान मंडी हो गया, वहाँ पे हमने बहुत पुख्ता इंतजाम लगाया है। साथ ही जब मिलाद उन नबी का जुलूस निकलेगा, उस रास्ते पे जो भी गणेश महाराज की प्रतिमा रखी हुई है, उन सभी लोगों से हम लोग की व्यक्तिगत बात हुई है कि जब भी ये जुलूस निकलता है आप लोग सहयोग करिए, और जब गणेश का प्रतिमा जुलूस निकलेगा उस समय ये लोग भी सहयोग करें। लेकिन हर प्रतिमा को हम लोगों ने चिन्हित किया है, हर झांकी को हम लोगों ने चिन्हित किया है। चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है कि सभी झांकियों का हम लोगों ने नंबरिंग किया है, और हर झांकी के साथ कौन पुलिस अधिकारी रहेगा, किस रैंक का रहेगा, वो तो पूरा हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है। एक एक झांकी के निगरानी में हम लोग जुलूस निकालेंगे। जो भी डीजे निकालने वाले लोग हैं, आज ही दोपहर में सीएसपी एसडीएम की उनकी बैठक हुई है, उनसे हम लोग ने बॉन्ड भरवा लिया है, और वो बॉन्ड भर के उनके साथ सोलह भी किया हम लोगों ने किया है। अगर बॉन्ड का आप उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितनी आवाज़ में आपका डीजे बजेगा, कौन कौन से गाने बजेंगे, कौन कौन से गाने नहीं बजने चाहिए, सख्त निर्देश दिया है। तो हमारे चप्पे चप्पे पे नज़र है, हमारा ड्रोन कैमरा, वीडियो कैमरा, खुफिया पुलिस, हाई राइज बिल्डिंग्स, प्रत्येक चौराहे पे, प्रत्येक गलियों में ट्रैफिक का भी हमने पूरा इंतजाम किया है। पूरा रोड आपको खाली मिलेगा, जिस रोड पर जुलूस निकलना है कहीं कोई आम पब्लिक को दिक्कत ना जाए, दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके अपना त्यौहार अच्छे से मिलाए, ये मेरा आप सबके माध्यम से अपील भी है और प्रार्थना। ठीक ठीक सर, ओके सर। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।